कभी सो कर ऐसे वीडियो नहीं देखना। जिसने कभी मैथ्स में पेन ही नहीं उठाया ना, मैं गारंटी बताता हूँ कि उसका सिलेक्शन 1 साल और डिले जाएगा। एक बहुत बड़े इंसान ने बोला और बहुत लोग भी ऐसा बोलते हैं और बहुत सही बात भी है कि समय पर दिया हुआ धन, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि जो धन होता है जो आपके पास नहीं है और जो विद्या जो किताबों में है वो आपके काम कभी नहीं आती। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किसी को 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए दे रखे हूँ, लेकिन आज मेरे पास जरूरत है ना, तो वो पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है ना, तो वो मेरे काम कभी नहीं आएगी। और किताबों की दी गई बातें, चाहे आपके नोट्स हो गए, चाहे किसी टीचर के PDF हो गए, वो आपके काम कभी नहीं आएंगे। जो काम आएगा अपना अपना कंसेप्ट काम आएगा। जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी देखा है मुझे नोट्स लेकर आते हुए? कभी भी देखा है कि कोई पन्ना लेकर आ रहा हूँ वहां से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ? कभी नहीं होता। जो ज्ञान है वो शुरू करो, जहां से है वहीं से शुरू करो। ठीक है, पिछली क्लास कहाँ पर खत्म हुई, अगली क्लास के लिए वहीं से मैं शुरू करता हूँ। कभी पीछे ये नहीं देखता कि हाँ कहाँ पर खत्म हुआ, वहीं से शुरू होना चाहिए। तो आपका कंसेप्ट इसी तरीके से इतना क्लियर हो, कभी सो कर ऐसे वीडियो नहीं देखना। जिसने कभी मैथ्स में पेन ही नहीं उठाया ना, मैं गारंटी बताता हूं कि उसका सिलेक्शन 1 साल और डिले जाएगा। होगा ये तय है, लेकिन 1 साल और लेट होगा ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखा करो खुद।